उत्तर प्रदेश में काफी लंबे वक्त से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थी अब ये समझ चुके हैं कि बिना यूपीटेट का नोटिफिकेशन और इसके एग्जाम के बिना प्रदेश सरकार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करेगी। इसी के क्रम में सरकार पर दबाव बनाने के लिए पीएनपी कार्यालय पर अभ्यर्थियों का गुट उपस्थित होने वाला यूपीटेट की नोटिफिकेशन और परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द से जल्द करने के क्रम में। इसके बीच सरकार की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण आया हुआ है यूपीटेट 2020 की परीक्षा को लेकर के, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि एक वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि अभ्यर्थियों के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर को एक शिकायत पत्र लिखा गया था प्रदेश सरकार के खिलाफ कि प्रदेश सरकार यूपीटेट 2020 का आयोजन नहीं कर रही है, जबकि अन्य राज्यों में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा का आयोजन उस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस पर 9 अगस्त 2021 को कार्रवाई की गई और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरिएट को यानी कि मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिखा गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस पर 8 अगस्त 2021 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा गया था इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के संदर्भ में। उसके बाद से फिर 13 अगस्त को भी इस पर कार्रवाई करते हुए वहीं चीज फॉरवर्ड किया गया कि 15 दिनों में इस पर कार्रवाई की जाए। इस पर राज्य सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे 31 अगस्त 2021 सबसे नीचे वाला अपडेट किया गया है। एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, यूपी टेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर 2021। द रीजन ऑफ डिले इज कोविड-19 पेंडेमिक, काइंडली क्लोज द केस। मतलब प्रदेश सरकार ये कह रही है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, कोविड-19 की वजह से अभी तक इतना डिले हुआ है। प्रदेश सरकार पहले ही ये प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है कि दिसंबर के माह में ही यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और पीएनपी ने भी 19 दिसंबर का ही प्रस्ताव भेजा है। और अब इस स्पष्टीकरण से भी स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार दिसंबर से पहले यूपी टेट कराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।